वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद एम के। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ फॉलोअप्स क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ। क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ पर्सन हु लाइक्स टू रीड अ लॉट। कोई पर्सन के बारे में बताना है जो कि बहुत ज़्यादा रीड करता है। सो इसका जो बेसिकली हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डू यू थिंक पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड टू रीड। क्या आपको लगता है कि सभी एजेस के लोगों को पढ़ना चाहिए, रीड करना चाहिए? सर्टेनली मीन्स येस, रीडिंग इज़ इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मीन्स इम्पॉर्टेंट। रीडिंग इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए, फॉर ऑल एजेस, सभी एज के लोगों के लिए, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट वे टू गेट नॉलेज अबाउट एनी टॉपिक। क्योंकि इससे हम किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग नॉलेज को गेट कर सकते हैं, एंड आई थिंक इट ऑल्सो बूस्ट अवर माइंड। अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा माइंड भी शार्प होता है, क्रिएटिविटी भी इन्हांस होती है। सो आई थिंक इट इज क्रूशियल फॉर एवरी वन। सो मुझे लगता है कि ये सभी के लिए ज़रूरी है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पेपर बुक्स एंड मूवीज़। पेपर बुक्स और मूवीज़ के बीच में क्या डिफरेंस है? पेपर बुक्स अलाउ पीपल टू इमेजिन सीन्स इन देयर ओन वे। पेपर बुक से क्या होता है कि हम खुद की इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। बुक्स प्रोवाइड मोर डिटेल्स, वेयर एज विद द हेल्प ऑफ मूवीज़ वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड एवरीथिंग ड्यू टू एनिमेशन। लेकिन अगर हम मूवीज़ देखते हैं तो उसमें एनिमेशंस का यूज़ किया होता है, तो हम ईजिली अंडरस्टैंड कर लेते हैं विजुअल इफ़ेक्ट की वजह से। इवन इंडिविजुअल नेवर फील बोर फ्रॉम मूवीज़ इन कंपेरिजन विद बुक्स। अगर हम बुक्स के साथ कंपेरिजन करें तो बंदा कभी भी बोर फील नहीं करता है अगर वो मूवीज़ को देखता है। सो बुक से हम खुद की इमेजिनेशन बनाते हैं, शायद ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, और हमें नॉलेज मिलती है। अगर हम बात करें मूवीज़ की, तो उससे क्या हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि उसमें एनिमेशन और विजुअल इफ़ेक्ट्स होते हैं, और कभी भी हम बोर फील नहीं करते अगर हम मूवीज़ को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट रीडिंग टॉपिक्स आर पॉपुलर इन योर कंट्री। कौन से रीडिंग के टॉपिक्स आपके कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है? एक्चुअली इट्स डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है। सम इंडियंस लव टू रीड अबाउट फिक्शन, बायोग्राफीज, नॉवल्स। कुछ इंडिया के लोग हैं वो फिक्शन, बायोग्राफीज़ और नॉवल्स को देखते हैं। हाउ एवर फ्यू इंडिजीनियस मीन्स पीपल, जो कुछ लोग हैं मेरी कंट्री के, वो नॉलेज गेन करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में, फैशन के बारे में। सो मैंने बता दिया भी किस किस तरह के जो बेसिकली टॉपिक्स हैं मेरी कंट्री में पॉपुलर होते हैं। इज रीडिंग फॉर फन और फॉर वर्क? एज पर माई परस्पेक्टिव, मेरी परस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग रीडिंग कैन बी फन एज वेल एज फॉर वर्क। दोनों पर्पस के लिए होती है। मैनी पीपल रीड ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। कुछ लोग हैं वो रीड करते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, एज इट इज़ ऑल्सो स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी फॉर देम। उनका पढ़ने से स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। सो कुछ लोग तो एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं। अदर रीड्स बुक्स टू ग्रैब मोर इंस एंड आउट। इंस एंड आउट मीन्स डिटेल इन्फॉर्मेशन। कुछ लोग पढ़ते हैं इसको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, अपने करियर की डेवलपमेंट की, कि हम किस तरीके से करियर में डेवलप हो सकते हैं। सो इट्स वेरी टू पर्सन। सो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ तो नॉलेज के लिए करते हैं रीड, कुछ सिर्फ स्ट्रेस को कम करने के लिए कर। डू यू थिंक पेरेंट्स शुड हेल्प देयर चिल्ड्रन डेवलप द रीडिंग हैबिट्स फ्रॉम एन अर्ली एज? क्या आपको लगता है पेरेंट्स को हेल्प करनी चाहिए अपने बच्चों की, कि रीडिंग हैबिट को डेवलप करें अर्ली एज से ही? विदाउट एनी डाउट, मैंने बोला कोई शक नहीं है, प्रो क्रिएटर्स मीन्स पेरेंट्स। पेरेंट्स शुड असिस्ट देयर किड्स डेवलप द पैशन फॉर रीडिंग फ्रॉम एन अर्ली एज। डेफिनेटली उनको असिस्ट करना चाहिए ताकि उनके अंदर पैशन बने किसका, रीड करने का, बुक। एज इट मे एस्केलेट देयर वोकेबलरी, एस्केलेट मीन्स इंक्रीज, क्योंकि इससे उनकी वोकेबलरी बूस्ट होगी, कंसंट्रेशन पावर बूस्ट होगी, वेल एज स्टिमुलेट देयर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन भी उनकी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। सो डेफिनेटली उनको असिस्ट करना चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर मैनी पीपल सो की ऑन रीडिंग? कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट आई बिलीव दैट। लेकिन मुझे ये चीज़ लगती है, पीपल इंजॉय रीडिंग एंड इज़ एन आइडियल वे टू गेन नॉलेज एंड इम्प्रूव देयर स्किल। कुछ लोग हैं वो इंजॉय करते हैं रीडिंग को, क्योंकि इससे उनको नॉलेज मिलती है, उनकी स्किल्स हैं वो अच्छी होती हैं। मोर ओवर रीडिंग कैन बी रिलैक्सिंग फॉर देम। कुछ लोग पढ़ते हैं क्योंकि उनको उनसे क्या मिलती है, रिलैक्सेशन मिलती है। एंड फॉर सम रीडिंग इज़ द बेस्ट वे टू डेवलप क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज़। सो लोग हैं वो रीड करते हैं क्योंकि इससे उनको न्यू आइडियाज़ आते हैं, क्रिएटिविटी उनके अंदर बूस्ट होती है। दस दीज आर द मेन रीज़न वाई सम पीपल शो देयर क्रेजीनेस टूवर्ड्स रीडिंग। सो यही मेन रीज़न है भी, इतना ज़्यादा क्रेजीनेस क्यों लोग शो करते हैं,
रीडिंग में। सो होप सो गाइस आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। सो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।